व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा रूसी एयरबेस पर यूक्रेनी हमले के बाद फूटा है। पुतिन के चेतावनी के बावजूद यूक्रेन ने रूस के दो एयरबेस पर भारी तबाही मचाई थी। उसके बाद यूक्रेन पर मिसाइल्स बरसा दी गई। रूस पर यूक्रेन की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पुतिन ने यूक्रेन में फिर से तबाही मचाई है। रूस के दो एयरबेस पर यूक्रेन के अटैक के बाद पुतिन का क्रोध इतना बढ़ गया कि यूक्रेन पर तबाही की बारिश कर दी गई। यूक्रेन ने पुतिन की चेतावनी को अनदेखा करते हुए रूस की जमीन पर ही हमला कर दिया। रूस के सारातोव के एंग्लिस एयरबेस पर रूसी Tu-95 बॉम्बर को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला रयाजान के दियाघिलेव एयरबेस पर किया गया। यूक्रेन बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर और मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर इन दो एयरबेस पर जेलेंस्की ने हमला कर विश्व विनाश की चिंगारी को भड़काने का काम किया। ये अलग बात है कि इन हमलों की यूक्रेन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मामूली सी दिखने वाली ये चिंगारी न सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच तबाही ला सकती है बल्कि वर्ल्ड। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन आग बबूला है। पुतिन के एयरबेस पर यूक्रेन का सीधा आघात न्यूक्लियर ब्लास्ट करा सकता है और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर पुतिन ने इसका इशारा कर दिया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस की 15 मिसाइलें नष्ट कर दी। यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में रूसी मिसाइलें मार गिराने का दावा किया गया है। खार्किव रीजन से रूसी हमले की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। रूस के मिसाइल हमले पर यूक्रेन का दावा सामने आया है। रूस की 85% मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। जब रूसी मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचा रही थी, यूक्रेन भी पलटवार पर उतर आया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की 15 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। यूक्रेन ने ईस्टर्न रीजन में रूसी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। निप्रोपेट्रोस रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि खार्किव में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइलों को तबाह कर दिया। खार्किव रीजन से रूसी हमले की लेटेस्ट तस्वीर भी सामने आई। यूक्रेन ने जर्मन वेपन गेपार्ड स्पॉक के रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन ने Su-25 से रूसी ठिकानों पर हमले किए और उसे बड़ी चोट पहुंचाई। यूक्रेन ने बाखमुट में भी रूसी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। यूक्रेन ने रूसी टैंकों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। रूसी टैंक BMP-2 यूक्रेन के अंडरमाइंस का शिकार हुआ। इस टैंक को लेकर रूसी सैनिक यूक्रेन के वहलिद्वार में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ये तबाह हो गया। रूस ने भी यूक्रेन पर किए गए हमलों का वीडियो जारी किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अकात्सिया आर्टिलरी का एक्शन दिखाया जिसके जरिए उसने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा को पुतिन ने फिर एक्सपोज किया है। पुतिन खुद गाड़ी चलाकर देखने पहुंचे कर्चब्रिज। कर्चब्रिज पहुंचे पुतिन की सेहत देखी एकदम ठीक। वेस्टर्न मीडिया ने कुछ दिन पहले पुतिन की तबीयत बताई थी खराब। ऐसे में पुतिन ने गाड़ी चलाई। पुतिन ने वेस्टर्न मीडिया के सारे दावों को झूठा साबित किया। वॉर के दरमियान चलने वाला प्रोपेगेंडा दरअसल दुश्मनों का हौसला पस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुतिन के खिलाफ भी कुछ इसी तरह की मुहिम चलाई गई। कभी उनको पाकिस्तान का शिकार बताया गया तो कभी उन्हें कैंसर से पीड़ित बताया गया, कभी उनके सूजे हुए चेहरे का एनालिसिस किया गया। लेकिन क्रचब्रिज पर पहुंचे पुतिन की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही है। वेस्टर्न मीडिया ने कुछ दिन पहले ही पुतिन की तबीयत खराब होने का दावा किया था और पुतिन ने वेस्टर्न मीडिया के सारे दावों को एक बार फिर से झूठा साबित कर दिया। वेस्टर्न मीडिया में पुतिन के सीढ़ियों से गिरने की खबर आई और दावा यहां तक किया गया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। लेकिन पुतिन ने क्रीमिया के क्रचब्रिज पर खुद ड्राइविंग करके इस खबर को गलत साबित कर दिया। ठीक बाद वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में नजर आए थे और इसी तरह रूस के डिफेंस मिनिस्टर शोइगु से मुलाकात के वक्त पुतिन को टेबल पकड़े दिखाया गया। लेकिन अगले ही हफ्ते पुतिन मॉस्को के एक कार्यक्रम में नजर आए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।